आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो द क्वेश्चन इज मैच करना है हमें कॉलम 1 विद कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बैरियम। कॉलम 2 में हमें प्रॉपर्टीज गिवन है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 6s2, ऑक्सलेट इज नॉट सॉल्युबल इन एक्वियस सॉल्यूशन, फॉर्म स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये इन सब की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें फर्स्ट लिथियम की, तो लिथियम की हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या होती है कि अगर मैं बात करूं इनके ग्रुप की, एल्कली मेटल्स की, ये हमारे सारे एल्कली मेटल्स हैं, और हमने पता है कि ये जो हमारा लिथियम होता है ये क्या शो करता है, कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर। जबकि जो अदर एल्कली मेटल्स है, व्हाट दे शो आयनिक नेचर। ओके, और अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल हम देखते हैं, फजान्स रूल क्या डील करता है, चार्ज अपॉन साइज। और अगर हम बात करें लिथियम का, साइज छोटा होने के वजह से चार्ज भी हमारा सब पे सेम होता है, तो जो उसका कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। बिकॉज ऑफ देयर कोवलेंट नेचर ये क्या करते हैं हमारे, दे गेट रेडिली सॉल्युबल, रेडिली मतलब इजीली सॉल्युबल किस में हो जाते हैं ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लाइक हम बोल सकते हैं हमारे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, जो लिथियम है कोवलेंट नेचर के वजह से रेडिली सॉल्युबल कर हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जबकि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल रहते हैं वाटर में। तो फर्स्ट का तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिथियम इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम मैं बात करूं नेक्स्ट सोडियम, तो सोडियम की क्या प्रॉपर्टी पता है आपको, सोडियम हमारा क्या रहता है, सोडियम हमारा एक स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका नेम क्या रहता है हमारा, अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो डेट इज मोनोसोडियम फॉस्फेट, मोनो सोडियम फॉस्फेट, जिसको हम मोनोबेसिक सोडियम फॉस्फेट या सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट भी कहते हैं, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, H2PO4-। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ हमारा आ जाता है ओ एच, ओ एच, ओ नेगेटिव, एन ए पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक कंपाउंड, ये एक एनहाइड्रस फॉर्म है ये, एज वेल एज मोनो और अपनी डाइहाइड्रेट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो सोडियम का करेक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्म स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक कंपाउंड। अगर हम नेक्स्ट बात करें कैल्शियम की, तो आपको पता है जो हमारा कैल्शियम का ऑक्सलेट फॉर्म होता है, कैल्शियम का क्या फॉर्म होता है, ऑक्सलेट, दैट इज CaC2O4। ऑक्सलेट आपको पता है C2O4-2-। ओके, तो यहाँ पे क्या करता है ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, इट इज नॉट एट ऑल सॉल्युबल इन द एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 6.7 मिलीग्राम पर लीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये इट इज इवन लेस देन 1 ग्राम पर लीटर। तो ये हमारी क्या रहती है, ऑलमोस्ट दिस इज इनसॉल्युबल। और आपको पता है कैल्शियम ऑक्सलेट इज वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द किडनी स्टोन, तो ये हमारा क्या रहता है, इनसॉल्युबल। सो द करेक्ट आंसर फॉर द कैल्शियम इज द ऑक्सलेट इज नॉट सॉल्युबल इन द एक्वस सॉल्यूशन। लास्ट बचता है बेरियम, तो अगर आप ऑप्शंस में ही देख लेंगे कि तो बेरियम का क्या गिवन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 6s2, और अगर हम बेरियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो व्हाट इज दैट, दैट इज 56, जिसको हम ज़ीनॉन 54 प्लस हम क्या लिख सकते हैं 6s2। तो यहाँ पे आउटर कॉन्फिगरेशन क्या हो गई बेरियम की मेरे पास, 6s2। तो देखो A का फर्स्ट हमें गिवन है, बी का फोर्थ, सी का थर्ड एंड डी का टू, जो हमें गिवन है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट 1। ओके, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्ट 1। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।